वेलकम टू एशियाज यंग गाइस। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। आप सब लोगों ने हमारे वीडियोस को बहुत पसंद किया है। हमने जो क्लास 10 एसएससी बोर्ड के लिए जो वीडियोस डाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हर सब्जेक्ट के लिए, बी इट मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब बच्चों को वो काफी पसंद आया है और आपने उसका पूरा फायदा भी उठाया, उसकी हमें बहुत खुशी है। अगर आप क्लास 10th में इस साल हो तो अब मई 2021 में आप बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे पूरी तरह अब प्रिपेयर कर सकते हो। दिस लास्ट 4 मंथ्स हमारे हाथ में, तो आप कैसे वो पूरा टाइम यूटिलाइज कर सकते हो उसके लिए पूरा डिटेल शेड्यूल और टाइम टेबल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आप किसी क्लास 9 बच्चे को जानते हो या आप क्लास 9th में हो जो 2022 में बोर्ड एग्जाम देगा, अभी 9th में है, उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। हमने फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेस इनिशिएटिव लिया है। ये जैन से शुरू हो रहा है, जैन टू अप्रैल, सिर्फ सैटरडे को एक दिन। मतलब आप 9th की तैयारी कर रहे हो, घर बैठे पढ़ रहे हो, अभी तो लॉकडाउन में इतनी स्कूल इतना स्टार्ट नहीं हुआ है कुछ इतना, तो इस टाइम में भी आप अपनी 10th की तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि काफी सारी चीजें आपके 9th से कनेक्टेड भी होती है। तो 10th का अभी से अगर आपको स्ट्रांग बेस मिलेगा तो आपको 10th के लिए और कॉन्फिडेंस आएगा। सो वी आर प्रोवाइडिंग दिस फ्री इनिशिएटिव, तो सारे बच्चों के लिए फ्री है। सिर्फ आपको रजिस्टर करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, ये देखिए। सिर्फ इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के आप ये फ्री लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। तो आप अगर 9th में हो या आप किसी को जानते हो जो 9th में है, सिर्फ आपको अपना डिटेल्स फिल करके ये सबमिट करना है एंड दैट इज इट। वंस यू फिल दिस फॉर्म देन यू कैन अवेल दिस फ्री क्लासेस। तो टेक फुल बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप खुद भी नहीं हो तो आप किसी को भी जानते हो जो इस 9th में है अभी और 10th देने वाले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, तो आप उनको ये प्लीज बताएं। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि क्लास 10th के लिए हम मई 2021 में अगर बोर्ड दे रहे हैं तो अभी जैन से हम कैसे अपनी तैयारी शुरू करें। तो ये पूरा डिटेल स्टडी, रिविजन और टेस्ट का टाइम टेबल है, अब पूरा शेड्यूल है ये, कि आप डेली एक चैप्टर का टारगेट अगर आप रखोगे, आपने अगर चैप्टर्स कर लिए सारे, आपका सिलेबस कवर हो गया है, तो बहुत अच्छे, ये क्लियरली आपके लिए रिवीजन प्लान है। अगर आपने स्टडी अभी नहीं किया है कंप्लीट, थोड़ा कुछ बाकी है, तो ठीक है, वो भी साथ साथ में इसके आप कर सकते हो, लेकिन आप इस रिविजन शेड्यूल को आप शुरू करना चाहिए आपको। आप वो भी साइड साइड पे आपके जो पेंडिंग चैप्टर्स है या पार्ट्स है वो आप करो, लेकिन इस रिविजन शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हो। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस दो पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिमुलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स। तो आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है तो हमारे स्टिमुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं जिसमें साइंस 1 साइंस 2 दोनों कवर होगा। और अगर आपने अभी तक इतनी सीरियस स्टडी नहीं की है तो अभी भी इस शेड्यूल को आप फॉलो करके हर एक चैप्टर एक दिन में आपको पूरी मेहनत अभी लगानी है। अगर आपने पूरी साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो अभी भी आप शुरू करोगे और जैसे ये शेड्यूल बनाया गया वैसे आप अपने चैप्टर्स कंप्लीट करोगे तो आपका 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस कवर होगा, पर आपको उतनी मेहनत अभी एफर्ट्स डालने। तो शुरू करते हैं, ये देखिए, सबसे पहले साइंस 1। तो साइंस 1 सब्जेक्ट हम करेंगे एवरी मंडे। हर एक चैप्टर का डेट मैंने दिया है, तो एवरी मंडे 4th जैन से ये स्टार्ट हो रहा है। हमारा पूरा शेड्यूल 4th जैन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप मंडे 4th जैन से ये शेड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं फॉलो करना। तो 4th जैन को जैसे हम साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन करेंगे, तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, उस चैप्टर का टेस्ट देना है। टेस्ट हमारे पास है, अगर आपको टेस्ट अवेल करने हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए 0900407846। आपको जिन सब्जेक्ट्स में टेस्ट की जरूरत है हम आपको टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप ये डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये आपका पूरा शेड्यूल होगा, तो ये आपका एवरी मंडे एक एक चैप्टर आपका हो रहा है साइंस 1 का। और ये देखिए मैंने डबल दिन भी दिया है थोड़े चैप्टर्स के लिए, तो आप उनको और अच्छे से कवर कर सके। तो थोड़ा लीवे हमें देना होता है ताकि हमारा सही से तैयारी हो। कार्बन कंपाउंड भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैंने 2 मंडेज दिया उनको, तो एटलीस्ट 2 मंडेज में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपके ये सारे 10 चैप्टर साइंस 1 के कवर हो जाएंगे बाय 29th मार्च। दीज आर ऑल मंडेज, 4th जैन से एवरी मंडे हम कर रहे हैं। और फिर अप्रैल मंथ में हम पेपर्स देंगे, 4 फुल सिलेबस पेपर्स देंगे साइंस 1 के। अब मंडेज को आप साइंस 1 कर रहे हो तो ट्यूजडे थोड़ा इजी डे होगा आपके लिए, ट्यूजडे के लिए हम बाद में देखेंगे। साइंस 2 एक्चुअली फ्राइडेज होगा, तो एवरी फ्राइडे आपका साइंस 2 है।
तो साइंस टू में हम जैसे फ्राइडे 8 जैन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर चैप्टर देखिए, लाइफ प्रोसेसेस टू बड़ा चैप्टर है, तो मैंने दो दो ट्यूज दो फ्राइडेज दिया उसके लिए. तो एवरी फ्राइडे आप, एनिमल क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो बिग, सो इट हैज बीन गिवन 2 फ्राइडेज. तो एवरी फ्राइडे आप एक एक चैप्टर करके मार्च, जैन, फेब एंड मार्च, 3 मंथ्स में आप अपने सारे 10 चैप्टर साइंस टू के भी रिवाइज करके पूरा स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं. और फिर उसके भी 4 प्रीलिम्स हम देंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो दिस विल बी एवरी फ्राइडे. सो साइंस 1 एवरी मंडे, साइंस 2 एवरी फ्राइडे. देन वी कम टू मैथ्स. मैथ्स इज ऑन एवरी वेडनेसडे, मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2. तो मैथ्स 1 हमारे 6 चैप्टर्स हैं, तो आपको रिवाइज करना है. होपफुली आपने अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, आपने सब एक्सरसाइजेस की होगी, उसमें से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको चुन चुन के आप यहाँ पे रिवीजन में आप सॉल्व कर सकते हैं. तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हर एक एक्सरसाइज की, हर एक प्रैक्टिस सेट का आप डिफिकल्ट क्वेश्चन लो, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस लो, और आप उनको सॉल्व करके चैप्टर्स कंप्लीट करें. आप पूरा हो सकता है कि सारी एक्सरसाइजेस एक दिन में ना सॉल्व कर पाए, पर फिर भी आप एक रिविजन पर्पज के हिसाब से आप उस चैप्टर को सॉल्व करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हर एक्सरसाइज के अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो ऑफकोर्स आप इजी क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लोगे. तो आप आपका प्रेपरेशन करोगे, जो क्वेश्चन में आप रॉन्ग जा रहे हो उनको आप फिर से सॉल्व करके देखोगे उसके सोल्यूशन, और फिर से ट्राई करोगे सॉल्व करने का कि आप उसको मास्टर कर ले. तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी करोगे और फिर उसका भी पेपर आप दे सकते हो. तो मैथ्स पेपर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, आपको अगर चैप्टर वाइज पेपर्स चाहिए इस शेड्यूल के हिसाब से तो यू कैन अवेल फॉर दैट टू. यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर. हमारी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एट वेरी मीगर कॉस्ट, बहुत ही कम प्राइस में आपको सारे टेस्ट अवेलेबल करके दिए जा रहे हैं. तो ये मैथ्स का शेड्यूल है. मैथ्स इज एवरी वेडनेसडे. सो अगेन जैन, फेब एंड मार्च 3 मंथ्स है जब आपका मैथ्स हो रहा है. मीन्स आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट है, मैथ्स 1 अगर एक वेडनेसडे को है तो नेक्स्ट वेडनेसडे को मैथ्स 2 है. तो ऐसे करके हम मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 इन द मंथ ऑफ जैन, फेब एंड मार्च एवरी वेडनेसडे करके कम्प्लीट करेंगे. उसके बाद 2 प्रीलिम्स है दोनों के लिए अप्रैल मंथ में, मैथ्स 1 के 2 पेपर्स और मैथ्स 2 के 2 पेपर्स. आपको चाहिए तो आप ज्यादा पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी तक एवरी मंडे इट इज साइंस 1, एवरी फ्राइडे साइंस 2, एवरी वेडनेसडे मैथ्स. उसके बाद आगे जाते हैं हम एवरी थर्सडे. एवरी थर्सडे सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉल साइंस एज वेल एज ज्योग्राफी. तो एवरी थर्सडे होगा ये, तो आप देख सकते हैं थोड़ा हमको ज्यादा एफर्ट्स डालने ही है क्योंकि आपको जितना टाइम है उस हिसाब से हम फिट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपको हिस्ट्री ऑफ पॉल साइंस का एक एक चैप्टर आपको साथ में करना होगा. इनिशियल चैप्टर्स हो सकता है आपने ज्यादा किया ही है तो आपको याद भी रहेंगे. तो हिस्ट्री का चैप्टर 1 और पॉल साइंस का चैप्टर 1 आप एक दिन में थर्सडे को आपको करना होगा. इवन सेम वे फॉर सेकेंड चैप्टर ऑल्सो. सो वी हैव 4 चैप्टर्स इन पॉल साइंस, सो मैंने इसको कंबाइन में रखा है. तो आपको एक दिन में 2 चैप्टर्स करने होंगे. ज्योग्राफी एक दिन में 1 चैप्टर है. यहाँ पे अगेन फर्स्ट चैप्टर फील्ड विजिट इज स्मॉल, तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को मर्ज किया है. तो आप सोशल साइंस को भी आप क्विक कवरेज कर सकते हैं. ये भी ऑल्टरनेट है, एक एक जैन को अगर 7th जैन को, एक थर्सडे को अगर हमारा हिस्ट्री पॉल साइंस है तो 2nd थर्सडे को हमारा ज्योग्राफी है. सो एवरी थर्सडे आप ये करके अपना मार्च तक टिल 1st अप्रैल एक्चुअली आप अपना पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सिलेबस रिवाइज करके टेस्ट दे सकते हैं. इसके भी टेस्ट अवेलेबल है. तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद आप अप्रैल मंथ में 2 प्रीलिम्स फुल पेपर्स भी इसके दे सकते हैं. तो मतलब अप्रैल मंथ में आप एवरीडे पेपर दे रहे होगे क्योंकि एवरी थर्सडे भी पेपर है, एवरी वेडनेसडे भी पेपर है. तो हर सब्जेक्ट के आप पेपर्स दे रहे हो तो आपके एवरीडे के पेपर्स होंगे. संडेज ऑफ है तो अगर आपका कुछ भी यहाँ पे कहीं कोई भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में, साइंस में या सोशल साइंस में भी अगर आपका कुछ रह जाता है तो संडेज ऑफ है, यू कैन कवर एट दैट टाइम. और इफ यू आर एबल टू कोप विद ऑल दिस देन ऑफकोर्स आपका स्कूल वर्क या कुछ भी है वो भी आप कवर कर सकते हैं. तो संडेज आर एन ऑफ. तो ये हो गया हमारा थर्सडे, मतलब मंडे साइंस 1 ऑक्यूपाइड हो गया, वेडनेसडे मैथ्स ऑक्यूपाइड हो गया और फ्राइडे साइंस 2. तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ऑल्टरनेटली मैंने साइंस और मैथ्स रखा है जो हैवी होता है, और ट्यूजडेज को मैंने, थर्सडेज को मैंने सोशल साइंस रखा है. ट्यूजडेज आर फॉर लैंग्वेजेस. तो ट्यूजडे आपका लाइट डे भी हो सकता है अगर आपके लैंग्वेजेस ऑलरेडी स्ट्रांग है, क्योंकि चैप्टर्स के तो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं तो आप इजीली उनको कवर कर सकते हैं. तो एक एक यूनिट आपको कवर करनी होगी एक दिन में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके 2 लैंग्वेजेस है जैसे इंग्लिश और हिंदी है, तो आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का एक एक दिन में एक एक यूनिट कवर कीजिए. तो आप चारों यूनिट्स आप दोनों लैंग्वेजेस के कर लोगे. उसके बाद ग्रामर का भी मैंने टाइम दिया है 4 दिन. तो ये हो जाएगा आपका एवरी ट्यूजडे फॉर द मंथ ऑफ जैन, फेब एंड मार्च. सो 2 लैंग्वेजेस मैंने यहाँ रखी है, उनके भी आप प्रीलिम्स पेपर्स अप्रैल में दोगे, फुल सिलेबस पेपर्स. और
फाइनली सैटरडेज को आपके लिए मराठी रखा है, अगर आपका मराठी लैंग्वेज है तो, या आपको जो लैंग्वेजेस में से जो डिफिकल्ट लैंग्वेज लगता है वो आप सैटरडेज के लिए रख सकते हैं। जिन्होंने मराठी लिया है और जिनको मराठी डिफिकल्ट पड़ता है उनके लिए ये डिटेल्ड शेड्यूल है। अगर आपके लिए मराठी इजी और कोई लैंग्वेज डिफिकल्ट है तो आप उसको एवरी सैटरडे रखो, और बाकी लैंग्वेजेस को जो आपके बाकी सब्जेक्ट है उनको आप एवरी ट्यूजडे रखो। तो ये पूरा शेड्यूल है, मराठी के लिए भी पूरा यहाँ पे डिटेल्ड कवरेज है। रैपिड चैप्टर के लिए मैंने अलग दिन नहीं रखा है, तो आप रैपिड चैप्टर को साथ में कवर कर सकते हो, क्योंकि रैपिड चैप्टर से सिर्फ बिग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप उनको कवर कर सकते हो। तो ये पूरा डिटेल शेड्यूल है फॉर मराठी एवरी सैटरडे, जो आप शुरू कर सकते हो 9 जैन से। तो आपका पूरा जैन, फेब एंड मार्च टिल 10 अप्रैल, एक्चुअली आप पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए, तो आप अप्रैल मंथ में इसके भी 2 फुल पेपर्स दे सकते हो। तो दिस इज द फुल प्लान, एक बार फिर से देख लेते हैं। एवरी मंडे साइंस 1, एवरी ट्यूजडे इज लैंग्वेज, मतलब आपका अगर साइंस 1 में कुछ रह गया तो आप लैंग्वेज के टाइम पे अगर उसको कवर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने आप को देनी होगी, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो प्लान का पर्पज ये होता है कि हम उसको फॉलो करने की कोशिश करें। कभी भी कोई भी प्लान हम 100% फॉलो नहीं कर पाते हैं, हम ह्यूमंस हैं, लेकिन हम प्लान जितना रियलिस्टिक हो सके उतना बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जितना टाइम है उस हिसाब से ही मैंने सब कुछ फिट किया है, तो हो सकता है ये चैलेंजिंग हो, लेकिन आप किसी तरह से उसे रैप अप कीजिए तो आपका ये कवरेज आपको कॉन्फिडेंस देगा, और आप इसको फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हो, और अब इसको अगर आपने 80% भी फॉलो किया तो यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। अगर आप इसको 50%+ भी फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आप पूरी कोशिश कीजिए, अपना 100% दीजिए कि आप इसको फॉलो कर पाए, एंड श्योरली यू विल बी एबल टू एक्सेल। योर स्टडीज विल बी ऑन शेड्यूल, आपकी पढ़ाई शेड्यूल पे रहेगी, आपके सब्जेक्ट कवरेज सारे सही से हो रहे होंगे, और ऑफकोर्स आपको पता है कि आपको लैंग्वेजेस को इतना टाइम नहीं देना है, तो आप ट्यूजडेज को, ऐसा जरूरी नहीं है कि फुल डे आप लैंग्वेजेस ही करें। अगर आपको उसमें लग रहा है कॉन्फिडेंस तो आप अपने दूसरे सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, बट एक टारगेट है कि इस दिन का एक टारगेट है, तो किसी तरह से आप उसको आगे पीछे करके भी पूरा करने की कोशिश करोगे। तो आपको पता है आपका दिन का टारगेट क्या है, ये एक चैप्टर है, तो आप वो ऐसे करोगे, है ना, जो भी सब्जेक्ट हो। तो मंडे साइंस 1, ट्यूजडे इज लैंग्वेजेस, वेडनेसडे इज फॉर मैथ्स, थर्सडे इज फॉर सोशल साइंस, फ्राइडे इज फॉर साइंस 2, एंड सैटरडे फॉर अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, एंड संडे इज फ्री। तो आप एक हफ्ते का भी जो आपका प्लान है, तो आप एक हफ्ते का भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 4 जैन से लेके मुझे 1 वीक के लिए सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे क्या करना है। आपने एक जगह पर उसको लिख के रख लिया है, तो उसके बाद आपको सिर्फ यही करना है कि आप उस एक हफ्ते में वो पूरा कीजिए। आप उसको आगे पीछे कैसे भी करके करना चाहते, नहीं हो रहा है तो ऊपर नीचे एडजस्ट करके आप 1 वीक का टारगेट कवर करने की कोशिश कीजिए। उसमें भी अगर आपका थोड़ा बहुत रह रहा है तो आप रैप अप कीजिए उसे और आगे बढ़िए। आपको अटकना नहीं है, आपको डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि वही तरीका है, हम प्लान बनाएंगे और प्लान फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो ही हम सक्सीड होंगे। और प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें रखनी है कि आगे पीछे हम कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी हम सोचें। तो विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट, होपफुली आप इसको फॉलो कर पाए और फॉलो करने की पूरी कोशिश करें, एंड यू एक्सेल इन योर एग्जाम्स। Our best wishes are always with you. And for any of your queries, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी डिटेल से, हमारी वेबसाइट है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। Wish you all the very best. Thank you.